हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपने रिसेंटली न्यूज में भी इसे बहुत ही देखा हुआ होगा कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, काम किस तरीके से करता है और ये ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट होता क्या है और इससे पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचेगा, इन सभी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक और बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। एसएसबी की इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहां पर मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये एफएटीएफ है क्या? इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये दरअसल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ऑफकोर्स यहां पर अलग अलग मेंबर्स होते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो खासकर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज जो है वो तीन इंपॉर्टेंट चीजों से डील करता है। एक मनी लॉन्ड्रिंग आप सभी बेहतर जानते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो इल्लीगली कमाया हुआ पैसा जो इंडिविजुअल छुपाते हैं और कई बार सरकारें भी उनकी मदद करती हैं, तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज से डील करता है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी, ऑफकोर्स जो पाकिस्तान पर अभी जो चार्ज लगाया गया है वो इसी टेरर फंडिंग को या फिर इसी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के तहत जो लगाया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखता है कि क्या कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए भी फाइनेंसिंग हो रहा है क्या नहीं। तो इन सभी से रिलेटेड एक वॉचडॉग की तरह एफएटीएफ काम करता है। तो एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करता है ताकि इस तरीके के इल्लीगल एक्टिविटीज जो कि हमारे समाज को हार्म पहुंचाते हैं उसे हम प्रिवेंट कर सकें। तो एज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी एफएटीएफ जो है वो बहुत ही जबरदस्त सा अननेसेसरी पॉलिटिकल विल जनरेट करता है और वो प्रेशराइज करता है कि नेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं वो नेशनल लेजिस्लेटिव्स और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स अपने इस एरियाज में लाएं ताकि इंटरनेशनली वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे सके कि वो स्टैंडर्ड्स सेट करता है और सभी कंट्रीज को उसे फॉलो करना पड़ेगा अगर वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा कहीं ना कहीं अगर वो बनकर रहना ही चाहते हैं। तो भले ही इसकी मेंबरशिप बहुत ही कम हो, एज ऑफ नो 39 इसके मेंबर्स हैं, 37 इंडिविजुअल कंट्रीज और दो यूनियंस जो है या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो मैं कहूंगा, इस तरीके के दो ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं कि इसकी पहुंच 200 कंट्रीज से भी ज्यादा और इसके ज्यूरिसडिक्शन 200 कंट्रीज से भी ज्यादा जो है वो फॉलो करते हैं, यानी कि उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक इंफ्लुएंशियल बॉडी ये होगा, दैट इज एफएटीएफ। तो दरअसल ये करता क्या है एफएटीएफ, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा कि वो हर चीज में, चाहे वो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग के केसेस हो या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के रिलेटेड जो लांछन जो चार्जेस लगाए जाते हैं, उन सभी से रिलेटेड चंद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वो बनाता है। और खासकर ये काम करता है कि सभी कंट्रीज जो है वो मिलकर काम करें, कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स हम दें ताकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन और टेररिज्म को हम स्टॉप कर सकें, यानी कि वो सभी कंट्रीज को लेकर चलने की कोशिश करता है और अगर कोई भी उससे डीवीएट करने की कोशिश करता है तो सभी कंट्रीज का ग्रुप जो है उस एक कंट्री के खिलाफ कहीं ना कहीं सैंक्शंस वगैरह लगा सकते हैं और उसे वापस से ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज हाउ एफएटीएफ इज एक्चुअली पेविंग वे फॉर अ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम टू बी वेरी मच मोर रिस्पॉन्सिव। और यह अथॉरिटीज को भी मदद करता है एज अ कोऑर्डिनेशन, एज अ कोलैबोरेशन इन बिटवीन डिफरेंट नेशंस, के खासकर वो क्रिमिनल्स के उन पैसों के खिलाफ जाए जो कि इलीगल ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अदर क्राइम से जो कमाया गया है। ऑफकोर्स जितनी भी हम बातें यहां पर कर रहे हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हो, टेरर फाइनेंसिंग के हो, ऑफ कोर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में ही इलीगली भेजा जाता है और उन्हें गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो खासकर 2012 में भी इसे मैंडेट दिया गया था कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी फाइनेंसिंग के प्रोलिफरेशन के केसेस डील करें। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सी चीज इसके बारे में हमें जाननी है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ। तो दरअसल G7 नेशंस जो थे वो पेरिस में मिले हुए थे जुलाई 1989 में। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन या फिर डिसीजन लिया गया था कि हमें इंटरनेशनल इस तरीके के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जरूरत है जो खासकर मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज से डील करे। तो सबसे पहली बार एफएटीएफ का एस्टैब्लिशमेंट 1989 में किया था और इंडिविजुअली सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ही वो डील करता था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से रिलेटेड ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो बनाता था जो कि कंट्रीज उन्हें फॉलो किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसा टाइम चेंज हुआ, 2001 में उसके मैंडेट को और थोड़ा आगे पहुंचाया गया, आगे बढ़ाया गया और 2001 अक्टूबर में एफएटीएफ के मैंडेट को थोड़ा बहुत एक्सपेंड करके कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी इश्यूज उसे दिए गए थे, यानी कि अब अपार्ट फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग वो टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड इश्यूज भी वो देख रहा था। देखिए यहां पर एफएटीएफ की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस पर नहीं, वो इंडिविजुअल कंट्रीज पर काम करता है। अगर
अभी जैसे कि हमने एग्जांपल दिया पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान में तो कई अलग अलग टेरर फंडिंग के ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह मिलेंगे, तो यहाँ पर टारगेट वो उन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं उस कंट्री को ही करता है कि पाकिस्तान ने स्टेप्स क्या लिए हैं इन टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, क्योंकि अगर नेशनल गवर्नमेंट सही हो, स्ट्रिक्ट हो, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस वहां पनप ही नहीं सकते। तो एक तीर दो निशाने जो है बहुत ही जबरदस्त से ये FATF मारता है। एंड मूविंग एट 2012 में उसे और भी चंद इंपॉर्टेंट से यू नो मैंडेट्स दिए गए थे, उसे और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाया गया था, और अप्रैल 2012 में खासकर फॉर द टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इस तरीके के भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड अगर कहीं ना कहीं चार्जेस किसी कंट्रीज पर लगाए जाते हैं तो वहां पर भी ये देखने की कोशिश करता है। तो अपार्ट फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग, इट ऑल्सो लुक्स अबाउट प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट से काम है जो FATF देखता है। तो इसकी मेंबरशिप क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि देर आर 39 मेंबर्स इंक्लूडिंग टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आप यहां पर देख सकते हैं, एक तो यूरोपियन कमीशन और दूसरा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू देर आर इंडिविजुअली 37 कंट्रीज, और इंडिया भी जो है यहां पर आप देख सकते हैं इसका एक हिस्सा है। तो 37 कंट्रीज जो है इंडिविजुअली इसका हिस्सा है। पाकिस्तान भले ही इसका मेंबर ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना सीरियसली पाकिस्तान को ये इफेक्ट कर रहा है उसका ग्रे लिस्ट में रखना। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना पावरफुल FATF और उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्जर्वर स्टेटस भी FATF देता है। पहले दरअसल ऑब्जर्वर स्टेटस ही देता है, उसके बाद उस कंट्री से उस कंट्री के लेजिस्लेशन वगैरह को उसके पूरे A to Z प्रोग्रेस रिपोर्ट को देकर ही उसे फुल फ्लेज्ड मेंबर बनाया जाता है। तो इंडोनेशिया करेंटली FATF का ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं FATF के, जैसे कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये सभी बहुत ही दिग्गज और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं, तो ये सभी भी FATF के साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप सुन सकते हैं FATF अगर किसी को ग्रे लिस्ट पर लगेगा तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस और ये सभी कंट्रीज उस पर निगाह रखेंगे, और अगर FATF उन्हें ब्लैक लिस्ट में रखेगा तो वर्चुअली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से वो कंट्री कट ही जाएगा। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दो चीजें यहां पर आपको जाननी है FATF से रिलेटेड। एक FATF की प्लीनरी जो कि उनका हाईएस्ट डिसीशन मेकिंग बॉडी होती है, जितने भी उसके मेंबर नेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव सभी, जहां पर वेन्यू डिसाइड किया जाता है मोस्ट प्रॉब्ली पेरिस या फिर लंडन इस तरीके के सिटीज में, तो वहां पर ये प्लीनरी जो है वो बैठी जाती है, और ये प्लीनरी साल में 3 बार मिलती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट से डिस्कशन और डिसीशन वहां पर लिए जाते हैं। और दरअसल यही प्लीनरी है जो एक सीनियर ऑफिशियल को अपने कंट्री के मेंबर्स में से ही एक को प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट करती है, जो कि बहुत ही क्रूशियल पोजिशन है पूरे FATF का। तो अप्रैल 2019 में the revised mandate extended the term of FATF presidency to 2-year period। पहले हर एक साल के लिए एक प्रेसिडेंट चेंज हो जाते थे, लेकिन अब नहीं, उसे बढ़ाकर 2 साल किया गया है। तो प्लीनरी इज एक्चुअली द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, एंड प्रेसिडेंट ऑफ FATF लुक्स आफ्टर द ईच एंड एवरी वर्क दैट FATF डज। तो प्रेसिडेंट का टर्म जो है वो 1 जुलाई को शुरू होता है हर साल, और 2 साल के बाद 30 जून को फिनिश होता है आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस। तो प्रेसिडेंट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट से जितने भी प्लीनरी के सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, उन्हें चेयर करते हैं, स्टीयरिंग ग्रुप्स को चेयर करते हैं, और FATF का सेक्रेटेरिएट, भले ही FATF का खुद का सेक्रेटेरिएट ना हो फुलफिल्ड, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वहां पर भी FATF के सेक्रेटेरिएट के पूरे काम प्रेसिडेंट साहब ही देखते हैं। सो द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन फॉर द FATF एंड रिप्रेजेंट्स FATF एक्सटर्नली। पूरे वर्ल्ड वाइड जितना भी FATF से रिलेटेड काम वगैरह है यही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं करंट प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कस प्लियर जी, पिक्चर में देख सकते हैं, जर्मनी के हैं। तो ही हैज रिसेंटली अज्यूम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ FATF ऑन 1 जुलाई 2020। उनसे पहले चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जियांग मिन लियू साहब, यहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ही वॉज एक्चुअली द प्रेसिडेंट। तो एज ऑफ नाउ डॉक्टर मार्कस प्लियर साहब जो है करंट प्रेसिडेंट ऑफ FATF है। और जैसा कि मैंने कहा कि FATF की अपना खुद का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, वो OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो कि पेरिस में है, वहीं से अपना सेक्रेटेरिएट चलाता है, वहीं से जो है अपना पूरा काम FATF करता है। तो जितने भी FATF के करियर अपॉर्चुनिटीज हैं खासकर FATF के सेक्रेटेरिएट में, वो सभी OECD के प्रोसीजर्स के हिसाब से ही किए जाते हैं। नोटिस देना, उनका रिक्रूटमेंट करना, ये सभी, और FATF के सेक्रेटेरिएट और उसके सर्विसेज की फंडिंग जो है एनुअल बजट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए पैसे सभी मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 39 यानी कि 37 इंडिविजुअल कंट्रीज और 2 कमीशन्स या फिर 2 रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप्स जो है वो बजट या फिर वो एनुअल जो है इसे मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा।
तो FATF दो लिस्ट मेंटेन करता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। तो पहले ग्रे लिस्ट के बारे में बात करते हैं। सो कंट्रीज दैट आर कंसीडर्ड टू बी अ सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द ग्रे लिस्ट। अगर किसी भी कंट्री पर ये लांछन लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है और प्लीनरी में ये डिसाइड किया जाता है कि यस ये सही है, तो उसे पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो अभी जो आप एग्जांपल देख रहे हैं पाकिस्तान और हाल ही में जो प्लीनरी सेशन हुआ था वहां पर जॉर्डन, माली, टर्की और यूएई को भी पहली बार जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो वहां पर उनके चार्जेस जो है इस तरीके से लगाए जाते हैं, तो उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। सो दिस इंक्लूजन सर्व्स एज अ वार्निंग टू दैट कंट्री दैट इट मे एंटर द ब्लैक लिस्ट। तो ये दरअसल एक नोटिफिकेशन की तरह है या फिर नोटिस की तरह है उस कंट्री के लिए कि अभी भी आप संभल सकते हैं, आप आइए हमारे साथ बात कीजिएगा, हम आपको प्रोसीजर देंगे कि किस तरीके से आप पर जो लांछन लगाया गया है आप उसे मिटा सकते हैं, आप जो स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं और खुद को जो है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यू से खुद को क्लियर करवा सकते हैं। तो अलग अलग हेल्पिंग के लिए ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो FATF के साथ काम करते हैं, जो इस तरीके की मदद भी करते हैं। तो एज ऑफ नो पाकिस्तान, जो कि बहुत ही आप सुन रहे थे न्यूज चैनल में, तो दरअसल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर रिटेन किया गया था। तो 2018 में ही उसे पहली बार ग्रे लिस्ट में रखा गया था फॉर टेरर फंडिंग एंड फाइनेंसिंग रिलेटेड थिंग्स अलॉन्ग विद मनी लॉन्ड्रिंग। तो अभी जो है उन पर रिव्यू चल रहा है। तो क्या होगा अगर ग्रे लिस्ट में किसी कंट्री का नाम आ जाता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं FATF के ग्रे लिस्ट में आने की वजह से? सबसे पहला, इकोनॉमिक सैंक्शंस उन पर लग जाएंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन से। ऑफ कोर्स ये तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को कहीं ना कहीं सस्टेन करने में बहुत ही मदद कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हो जाएगी उस कंट्री को IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर इस तरीके के अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और अदर कंट्रीज से भी वो लोन्स नहीं ले सकेंगे, क्योंकि कौन सा कंट्री प्रेफर करेगा कि किसी दूसरा कंट्री जिस पर इस तरीके के सैंक्शंस, इस तरीके के लांछन लगाए गए हैं, वहां पर लोन वगैरह दे या फिर वहां पर कोई डेवलपमेंटल का काम रखे। और तीसरा, ट्रेड सैंक्शंस भी उस कंट्री पर लगाया जाता है और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड भी जो उस कंट्री के साथ पूरी तरीके से कम किया जा सकता है। और इंटरनेशनली जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज और इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर्स हैं, तो उन इंटरनेशनली बायकॉट भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसीलिए इतना इन्फ्लुएंशियल FATF मानता है और इतना पॉलिटिकल विल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है कि इंस्पाइट ऑफ कंट्रीज जो इसके मेंबर नहीं है वो भी इसे बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और ब्लैकलिस्ट, जैसे कि आप सभी को पता है कि कंट्रीज विच आर नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, जिन्हें कहा जाता है कि वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास आकर ग्रे लिस्ट में आने के बाद उन्होंने हमारे पास आकर कोई भी कोऑपरेशन नहीं लिया, हमारी बात अगर वो नहीं सुने, तो उन्हें बिल्कुल ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है और उन्हें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज का दर्जा दिया जाता है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? इसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं है, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से वो कट जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज के कैटेगरी में है, वो है ईरान और दूसरा नॉर्थ कोरिया। सो दो ही कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में है। सो दिस कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज एंड FATF जो है वो रेगुलरली ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को जो है रिवाइज करते ही रहता है, यानी कि कंट्रीज यहां पर चेंज हो सकते हैं। अगर कर को ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया आकर FATF की मदद मांगेगा कि वी वॉन्ट टू चेंज, तो वहां पर नो डाउट FATF जो है उनकी मदद कर सकता है और उन्हें वापस से डिग्रेड करके ग्रे लिस्ट में लाकर और वापस से उन्हें फिर से जो है व्हाइट लिस्ट में रख सकता है। चंद इंपॉर्टेंट से जो FATF के जर्नी के जो लैंडमार्क्स हैं उनके प्लीनरी के डिसीजंस के, उनके बारे में एक बार देखते हैं। तो 2010 जून में सबसे पहली बार जो था इंडिया को ऑफ कोर्स फुल फ्लेज मेंबरशिप मिला हुआ था। 2006 में ही इंडिया एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस उसे मिला गया था और सिमिलरली अलॉन्ग विद इंडिया किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ब्राजील को भी म्यूचुअल एलिवेशन दिए गए थे और वहां पर उस प्लीनरी में अप्रूव किया गया था। एंड सिमिलरली ऑन 2012 फरवरी जो कि पेरिस में प्लीनरी हुई थी, FATF ने अपने खुद के नए जो रिकमेंडेशंस थे, खासकर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो काउंटर करने के लिए उन्हें प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट से रिकमेंडेशंस यहां पर अप्रूव किए गए थे। और दिस वाज एक्चुअली द प्लेस वेयर द थर्ड थिंग वाज गिवन टू देम। पहला तो हमने देखा ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा हमने देखा टेरर फाइनेंसिंग और तीसरा काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो इसी प्लीनरी में दिया गया था। एंड सिमिलरली उसी साल 2012 अक्टूबर में भी करप्शन के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त से काम FATF वालों ने किए हुए थे। दो बेस्ट प्रैक्टिसेस के पेपर्स रिलीज किए गए थे, रेफरेंस गाइड और इन्फॉर्मेशन नोट्स, जो कि बहुत ही जबरदस्त FATF के रिकमेंडेशन थे करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो सभी कंट्रीज ने उसे एक्सेप्ट किया हुआ था, यूनानिमसली प्लीनरी ने उसे अडॉप्ट किया हुआ था। एंड सिमिलरली अगर हम देखें तो 2013 लंडन 24 अप्रैल में प्लीनरी हुई थी, जहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस और डिबेट्स यहां पर किए गए थे।
और आप सभी बेहतर जानते हैं कई बार इन ग्लोबल एनजीओस की मदद से भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी होते हैं। तो वहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और एफएटीएफ ने बैठकर डिस्कशन किया हुआ था कि ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए, और एफएटीएफ ने भी ये प्रॉमिस किया हुआ था कि चलो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जो लेजिटिमेट चैरिटी के एक्टिविटीज हैं आपके, जो एक जगह से फॉरेन कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज जो आप मनी मूव करते हैं अच्छे काम करने के लिए, वो डिस्करेज नहीं होंगे, वो डिसरप्ट नहीं होंगे। यानी कि दोनों के बीच एक डील ब्रोकर्ड की गई थी कि हम दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनकर चलेंगे, रिफॉर्म्स हम लाने की कोशिश करेंगे। और सिमिलरली जून 2014 में भी टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए खासकर यूएन और उसके यूएन एजेंसीज के साथ एक बहुत ही बड़ी डील की गई थी। वहां पर कोऑर्डिनेशन के लिए बात की गई थी कि ग्लोबल लेवल पर हम इंक्रीज करेंगे, रिलेवेंट बॉडीज के साथ हम कोलैबोरेट और कोऑपरेशन करेंगे कि अगर हमने किसी को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट किया तो आप भी हमारी मदद कीजिएगा उन कंट्रीज पर सैंक्शंस वगैरह लगवाने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही मेजर डिसीजन लिया गया था। एंड अगेन 2016 में भी खासकर एफएटीएफ और G20 के एंटी करप्शन ग्रुप जो है उन्होंने मिलकर भी एंटी करप्शन से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस वहां पर किए गए थे, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, एफिशिएंसी से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट से ग्रुप डिस्कशंस मीटिंग्स वहां पर किए गए थे। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम। और फरवरी 2019 में जहां पर पेरिस में ये प्लीनरी चली हुई थी, ड्यूरिंग द सेकंड प्लीनरी डिस्कस्ड अ वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, के किस तरीके से हम अपने पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को बरकरार रख सकते हैं, उसकी इंटीग्रिटी को, और ग्लोबल सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। और 2020 में जो कि कोविड चल रहा था फुल फ्लेश, तो यहाँ पर ऑफकोर्स जर्मन प्रेसिडेंसी थी, मार्कस प्लियर साहब ऑलरेडी एज ए प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो वहां पर उनके नेतृत्व में ये प्लीनरी चली हुई थी जहां पर एफएटीएफ का काम जारी रखने की बात की गई थी इवन बिटवीन कोविड क्राइसिस, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से हमें पता था कि कोविड एक या दो साल के लिए नहीं, ये पैंडेमिक कई सालों के लिए चलने वाला था। तो एफएटीएफ का काम नहीं रुकेगा, एफएटीएफ जो मॉनिटरिंग काम करता है वो उसी तरीके से कोविड के टाइम पर भी किया जाएगा। और 2011 में हाइब्रिड एफएटीएफ प्लीनरी हुई थी, यानी कि वर्चुअली वहां पर हुआ गया था, और यहां पर भी ग्लोबल नेटवर्क और ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक डील ब्रोकर की गई थी, फाइनलाइज वहां पर वर्क किया गया था कि खासकर वर्चुअल असेट्स और वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर्स, बेस्ट एग्जांपल मैं बिटकॉइन ही दे सकता हूं एज ऑफ नाउ, तो इस तरीके के वर्चुअल असेट्स पर भी जो है इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस लिए गए थे, गाइडेंस वहां पर क्या हो सकता है, अपडेटेड गाइडेंस उन्होंने लिया हुआ था कि रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या हो सकता है इन वर्चुअल असेट्स का, किस तरीके से हम इन्हें मॉनिटर वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही ये वर्चुअल असेट्स डिस्कशन में देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंप्लिकेशंस इनके भी बहुत ही सो हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट पर। तो ये चंद इंपॉर्टेंट से लैंडमार्क से एफएटीएफ की जर्नी के। तो थोड़ा बहुत एफएटीएफ और इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ऑफकोर्स 2006 में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था और 2010 जून 25 को फुल फ्लेश्ड इंडिया 34th मेंबर ऑफ एफएटीएफ बना हुआ था, एंड सिंस देन इंडिया हैज बीन कंटिन्यूअसली वर्किंग विद एफएटीएफ। और इंडिया ईएजी यानी कि यूरेशियन ग्रुप का हिस्सा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड इस तरीके के अलग अलग ग्रुप्स में बांटे गए हैं, और एज ऑफ नो जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है ताकि उन्हें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, इट इज एक्चुअली एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो यूरेशियन ग्रुप आप देख सकते हैं 9 कंट्रीज का पूरा मिश्रण है ये, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। और इंडिया, अभी इंडिया के बारे में हमने देखा, थोड़ा बहुत पाकिस्तान और एफएटीएफ के बारे में भी देखते हैं। हाल ही में इसी से रिलेटेड न्यूज में था, तो 2018 जून में सबसे पहली बार एफएटीएफ के सेनर में पाकिस्तान आया। पाकिस्तान एज ऑफ नाउ मेंबर नहीं है एफएटीएफ का, लेकिन बहुत ही कोशिश कर रहा है कि वो ग्रे लिस्ट से निकल जाए, क्योंकि कई इंटरनेशनल सैंक्शंस उसके खिलाफ लगाए गए हैं जस्ट फॉर बीइंग इन ग्रे लिस्ट। तो वहां पर पाकिस्तान ने 27 पॉइंट एक्शन प्लान अगेंस्ट टेरर फंडिंग नेटवर्क्स एक डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया हुआ था अलॉन्ग विद एशिया पैसिफिक ग्रुप मिलकर, कि हम जो है सभी पॉइंट्स पर काम करेंगे, आप हमें मॉनिटर करते रहिएगा। सो रेगुलरली फ्रॉम देन ये सभी पॉइंट्स को फुलफिल करने की पाकिस्तान बहुत ही कोशिश कर रहा है। और दरअसल जून 2021 जो है उन्हें एक डेडलाइन दिया गया था कि उससे पहले ही उन्हें फुलफिल करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन वहां से भी फिर अगेन जो है प्लीनरी डिसीजन लिया कि पाकिस्तान को और थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं पॉइंट्स जो है वो थोड़े बहुत बढ़कर 34 भी हो चुके हुए थे। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप कंटिन्यूअसली रिव्यू कर रहा है पाकिस्तान के इस प्रोसेस को कि किस तरीके से वो अपने कंट्री में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रिजिम को कमबैक किस तरीके से कर रहे हैं, क्या वहां पर हमें सच में टेंजिबल कोई चेंज देखने को मिल रहा है या नहीं। तो हाल ही में अगर आपने न्यूज चैनल फॉलो किया हो तो आपको यह भी पता होगा कि लांछन इंडिया पर भी लगाया गया था कि इंडिया की वजह से ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्कस प्लेयर एफएटीएफ के चीफ ने जो है वो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था कि हम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ऑफकोर्स इंडिया हमारा मेंबर है वो बहुत ही क्रूशियल है, लेकिन यहां पर लॉबिंग नहीं चलेगी। और पाकिस्तान की भी उन्होंने तारीफ की कि यस
30 आउट ऑफ 34 इंप्लीकेशंस या फिर 30 आउट ऑफ 34 जो पॉइंट्स दिए गए थे एक्शन पॉइंट्स उसे फुलफिल किए गए हैं पाकिस्तान ने और बाकी के भी चार वो बहुत ही जल्द करेंगे, हम इस तरीके की आशंका रखते हैं। तो जैसा ही पाकिस्तान पूरे ये एक्शन पॉइंट्स को फुलफिल करेगा तो उसे इमीडिएटली ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। एज ऑफ नो हमारा कोई भी प्लान नहीं है कि हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखें। और हाल ही में चली हुई प्लीनरी में जॉर्डन, माली, टर्की और यूएई को भी जो है ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी एफएटीएफ के बारे में। थोड़े बहुत रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं एफएटीएफ से रिलेटेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएटीएफ? सो जैसे कि आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल एक्शन ट्रांसफर फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन फाउंडेशन, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट फाउंडेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो एफएटीएफ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1979, 1989, 1999 या 2009? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज 1989। तो एफएटीएफ वाज एस्टैब्लिश्ड विद इनिशिएटिव ऑफ, किसके इनिशिएटिव के साथ एफएटीएफ एस्टैब्लिश किया गया था? G6, G7, G8 या G20? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स G7 कंट्रीज के इनिशिएटिव से। एफएटीएफ का मैंडेट जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ भी काम करना है, वो कब दिया गया था? पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था, टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड 1989, 1999, 2001 या 2011? करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स 2001। 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, 2001 में टेरर फाइनेंसिंग, 2012 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। करंट मेंबरशिप कितनी है एफएटीएफ की? 35, 39, 41 या 43? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स 39, जहां पर 37 इंडिविजुअल कंट्रीज हैं और दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। इंडिया एफएटीएफ का मेंबर कब बना? 2006, 2010, 2011 या 2018? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स 2010 में, 2006 में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कब किया गया था एफएटीएफ में? 2010, 12, 16 या 18? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स 2018। एफएटीएफ का सेक्रेटेरिएट कहां पर है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या ब्रुसेल्स? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स पेरिस। यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ओईसीडी के सेक्रेटेरिएट या फिर हेडक्वार्टर से ही ये उसका सेक्रेटेरिएट वहीं पर है या फिर ये वहीं से काम करता है। करंट प्रेसिडेंट कौन है एफएटीएफ के? डॉक्टर मार्कस प्लियर, जियांग मिन लियू, जॉन मैनुअल या रॉजर विल्किंस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स डॉक्टर मार्कस प्लियर। अपार्ट फ्रॉम ईरान, डैश इज द करंट एफएटीएफ ब्लैकलिस्टेड कंट्री? साउथ सूडान, पनामा, नॉर्थ कोरिया या जॉर्डन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स नॉर्थ कोरिया अपार्ट फ्रॉम ईरान इज इन द एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट। तो ये थे चंद रिव्यू क्वेश्चंस जो आपको इस एफएटीएफ से रिलेटेड जानने थे। सो वीडियो को एंड करने से पहले अगेन मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहां पर मिल जाएगी। एंड दिस आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी प्रोवाइड, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद।